नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत गांव में निर्मित शौचालय की जियो टैगिंग 80% से कम करने वाले 8 सहायक विकास अधिकारी व 55 ग्राम पंचायत सचिवों का जिलाधिकारी के निर्देश पर रोका गया वेतन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। कैंट पुलिस एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी व पशु तस्कर को एक अन्य साथी सहित किया गिरफ्तार। 3 किलो गांजा किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते समय हेलमेट लगाकर ही निकलें बाहर। बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर वाहन का किया जाएगा चालान। यातायात नियमों का करें पालन। २९ मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। आर्बिट्रेशन वादों का किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जिले में चल रहे अवैध स्टैंड पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि स्टैंडों को चिन्हित करके बनाया जाएगा पार्किंग। नगर निगम द्वारा जल्द किया जाएगा टेंडर। मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प सहित विभिन्न परियोजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में पैरोकार और कोर्ट मुहर्रों तथा पुलिस कर्मियों की बैठक हुई संपन्न। अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को डीआईजी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण इस वर्ष 69 मुकदमों में सुनाई गई सजा, लगभग 40 मुकदमे में हुई है उम्र कैद की सजा। प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिला के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा, 1 से 15 जून तक चलने वाले अभियान पर की गई चर्चा। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे मनरेगा के कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के द्वारा कलेक्ट्रेट से निकाला गया जागरूकता मोटरसाइकिल रैली। हेलमेट लगाने के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत गांवों में निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग भारत सरकार की वेबसाइट पर 80% से कम जियो टैग वाले विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी तथा 55 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम जियो टैग कराना पाया गया है। ऐसे में कार्यों में सहायक विकास अधिकारी ग्राम सचिवों की घोर लापरवाही पाया गया, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन न करने वाले लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के जीरो टॉलरेंस करप्शन नीति के अंतर्गत शौचालय निर्माण में बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी सचिव द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। जियो टैगिंग नहीं किया जा रहा है। कई बार निर्देश देने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिला, इसलिए सहायक ग्राम विकास अधिकारी व 55 ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन रोका जाता है। इसलिए अधिकारी 10 जून तक जियो टैगिंग का कार्य पूरा किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के
ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और समयबद्ध क्रियान्वयन की नीति के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। शौचालय निर्माण में बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को पारदर्शितापूर्वक समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के लिए सचिवों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। जियो टैगिंग नहीं किया जा रहा है और अनेकों बार मीटिंग लेकर निर्देशन देने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिले, इसलिए दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई और पहले चरण में उनका वेतन रोका गया है कि जब तक 100% जियो टैग फोटो अपलोड नहीं करेंगे उसका वॉर रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि शौचालय वाकई में बने हैं, उसका उपयोग हो रहा है और निर्धारित कोडिंग के अनुसार उनका अंकन किया गया कि नहीं किया गया, और अगर अभी परिणाम नहीं मिलते हैं तो उसमें और बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल कैन पुलिस एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैन श्याम देवबिंद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को पेडलेगंज डिवाइडर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदो पोस्ट करकुरैया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर, दूसरा आसिफ शेख पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदो पोस्ट करकुवैया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनों भाई अपने साथी मोनू आदि के साथ गोरखपुर की सड़कों के किनारे सांड व गायों को पिकअप पर लोड करके ले जाकर बिहार में बेच देते हैं। हम लोग पुलिस से बचने के लिए अपने पिकअप में पत्थर रखते हैं। हम लोगों द्वारा 19 मई को चिलुआताल थाना क्षेत्र व 17 अप्रैल को विश्वविद्यालय चौराहा थाना क्षेत्र कैंट से गाय चोरी किए थे। इसके अलावा 20 व 21 मई को रात में जब हम लोग थाना क्षेत्र तिवारीपुर में गायों की चोरी करने गए थे, थाना प्रभारी की जीप से पुलिस वालों ने हम लोगों का पीछा किया था, जिस पर हम लोगों ने उन पर पत्थर फेंक कर भाग गए थे। तौसीफ आलम द्वारा बताया गया कि साहब मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 3 जनवरी को रात्रि में गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरैया में पीआरवी व पुलिस की गाड़ी को तोड़ा था एवं रोड पर से पशु चोरी कर ले गए थे। वर्ष 2020 में चिलुआताल से एक और गाय चोरी किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने खोराबार पिपराइच गुलरिहा रामगढ़ताल क्षेत्रों से कई गायों को चोरी किए हैं। इन्हीं गाय व सांडों को बिहार में बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हम सप्ताह में 3 बार आकर चोरी करते हैं। आज हम दोनों भाई बिहार जा रहे थे, वहां पर गांजा को बेचते हैं तो हम लोगों का खर्च का पैसा मिल जाता है। हम दोनों भाई जब भी गोरखपुर आते हैं अपने साथी मोनू आदि के साथ सांड व जो रोड पर मिलते हैं उसको पिकअप पर लोड करके ले जाकर बिहार में बेच देते हैं, बेचकर जीविकोपार्जन करता हूँ। सीओ कैंट ने बताया कि अभियुक्त कई दिनों से वांछित चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 25,000 का इनाम दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक मनीष कुमार यादव, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय सहित व अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, छोटा वाला क्या है ये? तो उसके पुलिस के ऊपर में भाई गाड़ी वाली चलाने में कोई मतलब चेक नहीं करता, इसीलिए 307 के मुकदमे भी पहले के हैं। तो जमानत पे भी मूल मुकदमे छूटा था, इन्वेस्टर में वांछित चल रहा था, और भी कई घटनाएं ऐसी सुनकर आती हैं। Thank you.
ये देखिए, एसएसपी सर द्वारा लगातार पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा था, वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम लोगों को निर्देश भी दे रहे थे मीटिंग के माध्यम से और फ़ोन करके भी वो लगातार निर्देशित करते थे। जो अपराधी वांछित चल रहे थे, पुरस्कार घोषित थे, एसएचओ कैंट को भी इसी क्रम में निर्देशित किया था उन्होंने, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम को भी निर्देशित किया था। इसी क्रम में हमारी टीम लगातार पशु तस्करों के खिलाफ लगी हुई थी। इसी दौरान रात्रि में एसएचओ कैंट व इनकी टीम जो है कि इनको सूचना मिली, उधर स्वाट टीम को भी सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जो है कि शहर में आए हुए हैं। उसी क्रम में इन्होंने रात्रि में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तौसीफ आलम है जो कुशीनगर का रहने वाला है, दूसरा उसका भाई है तौफीक है आसिफ शेख है, वो भी जो है कि गिरफ्तार हुआ है कैंट पुलिस द्वारा। और ये बेसिकली ये पशु तस्करी का काम करते हैं, इसके खिलाफ़ लगभग आधे दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और अन्य थानों से भी पता कराया जा रहा है। इनके पास से 3 किलोग्राम के आसपास गांजा भी मिला है, जो पशु तस्करी के साथ साथ गांजा सप्लाई का भी काम करते थे। और ये कैंट पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसके ऊपर एसएसपी सर द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने नागरिकों से हेलमेट लगाने को लेकर अपील करते हुए कहा कि जनपद में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में पेट्रोल पंप मालिकों से निवेदन किया था, पुलिस के जागरूकता अभियान में सहभागिता करते हुए जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वह भी लोगों को जागरूक करें, जो बिना हेलमेट के पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पर आते हैं, दो पहिया वाहन चालक उनको पेट्रोल ना दिया जाए, जिससे लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाकर पेट्रोल पंप पहुंचे, जिससे लोगों में जागरूकता आए। इसके अलावा काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ भी उनको रोक कर चालान किया जा रहा है। जिस दुकान से काली फिल्म लगाई जा रही है, उन दुकानों से काली फिल्म बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जो पार्किंग है उसमें लोगों के वाहन को खड़ा करवाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने वाहन का कहीं भी गलत पार्किंग ना करें, बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं, कहीं भी कोई वस्तु सड़क पर ना फेंकें, बिना वजह सड़क पर गाड़ी ना रोकें, यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके। हमारा प्रयास है कि जनता के सहयोग से शहर को जाम मुक्त करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जी जनपद में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में हमने जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन से और पेट्रोल पंप मालिकों से निवेदन किया था कि पुलिस के इस जागरूकता अभियान में सहभागिता करते हुए जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो भी लोगों को जागरूक करें, जो बिना हेलमेट के आते हैं दोपहिया वाहन चालक उनको पेट्रोल ना दिया जाए, ताकि लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए पेट्रोल पंप पहुँचें तो हेलमेट पहन के पहुँचे, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। और इसी के साथ जो काली फिल्म लगी गाड़ियां हैं वो भी रोककर चालान किया जा रहा है, जहां से काली फिल्म लगाई जा रही है उन दुकानों से भी काली फिल्में बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो पार्किंग व्यवस्था है उसको सकुशल करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए लगातार अभियान जारी है, अतिक्रमण के विरुद्ध भी जारी है और इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। मेरी लोकबंधुओं से अपील है, जनता के नागरिकों से अपील है कि कहीं भी गलत पार्किंग ना करें, बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं, कहीं भी कोई वस्तु अपनी सड़क पर ना फेंकें, कहीं गाड़ी बिना वजह सड़क पर ना रोकें, रेड लाइट के नियमों का पालन करें और सभी नियमों का पालन करें, ताकि जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हो और बिना पुलिस को कार्रवाई किए जो जनता के सहभागिता से हमारा शहर ट्रैफिक जाम से मुक्त हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 29 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा,
जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन के निष्पादन के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसीलिए सभी वादकारियों को सूचित किया जाता है कि आर्बिट्रेशन वादों का विशेष लोक अदालत में पहुंचकर निस्तारण करवाएं, जो कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दीवानी न्यायालय के सभी कोर्ट में आयोजित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, कार्यपालक महोदय, उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज प्रताप तिवारी जी के आदेशानुसार राष्ट्रीय विशेष लोक अदालत आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 29 मई 2022 दिन रविवार को आयोजित कराई जा रही है। इसमें जनपद के समस्त गोरखपुर में के रहने वालों के सूचित सूचना भेजी जा चुकी है और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और टीवी आदि के माध्यम से संबंधित पक्षकारों को सूचना भेजी जा चुकी है, जिससे कि लोग दिनांक 29 मई 2022 को अपने आर्बिट्रेशन वादों निष्पादन वादों का निस्तारण कराकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर उसका जो है फायदा उठाएं। विशेष लोक अदालत जो रविवार को आयोजित की जा रही है, कहाँ पे लगाई जाएगी ये लोक अदालत? जनपद न्यायालय दीवानी जनपद न्यायालय में सभी कोर्टों के पीठासीन अधिकारियों का जो के निर्देशन में आयोजित की जा रही है। कितने बजे से? ये 10:30 बजे दिन सुबह रविवार के दिन शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जनपद में चल रहे अवैध स्टैंडों के संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि जो भी स्टैंड चल रहे हैं उस भूमि का चिन्हीकरण करके नगर निगम द्वारा पार्किंग के लिए टेंडर निकाला गया है। जैसे ही टेंडर अप्रूव हो जाते हैं उस जगह उपलब्ध नया पार्किंग स्थल बनवाया जाएगा, जिसको देखते हुए सभी प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। शहर में जहाँ कहीं भी वाहन सड़क पर खड़े होते हैं उनको व्यवस्थित कराकर पार्किंग में खड़ा करवाया जाता है, लेकिन प्रयास है कि ऐसी कोई अवैध पार्किंग सड़क पर ना हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जो भी स्टैंड चल रहे हैं वहां पर अन्यत्र भूमि का चिन्हीकरण करके वहां पर पार्किंग के लिए टेंडर निकाले गए हैं नगर निगम के द्वारा, और जैसे ही वो टेंडर अप्रूव हो जाते हैं वो जगह उपलब्ध करवा के पार्किंग की नवीन व्यवस्था की जाएगी। इसमें लगातार सभी प्रकार से प्रयास चल रहे हैं और वर्तमान में भी जहां सड़क किनारे वाहन अगर कहीं जगह की कमी से खड़े होते हैं तो उनको व्यवस्थित करवाया जाता है, परंतु प्रयास यही है कि ऐसी कोई पार्किंग सड़क पर ना हो, कम से कम सड़क के ऊपर कोई वाहन पार्क ना हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास है हमारा। यह भी प्रयास है कि इस पूरे अभियान में जनता को, व्यापारी को, महिलाओं को, परिवार के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प के संबंध में एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों एपीओ के साथ बैठक की गई है। विभिन्न योजना ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत अभियान, मिशन प्रेरणा, मानव संपदा, मिड डे मील सहित अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई है। शासन द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी स्कूलों में बिजली, महिला व पुरुष टॉयलेट, हैंड वॉश, स्कूल की चारदीवारी को बनवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, सभी अच्छा कार्य करने वाले प्रधानों व अध्यापकों को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कौन?
अगर कहीं समस्या है इसको बताओ, इसको बताया था चांदपुर कहीं की जो भी समस्या, जैसा कि आप लोगों का एक ग्रुप बन गया है 100 के दोनों जो काम हुआ विद्यालय में, उसमें अगर जुड़ना है 24 स्कूलों ने भरा था, 2499 स्कूलों ने भरा था, ठीक है, चांदपुर में नहीं भरा वो दे दिया। 28% और करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो सूची बची हुई है सर, उसको मैं गाँव में भी साहबों को भी भेज दिया सर, और अपने कार्यकाल वाले ग्रुप में भी डाल दिया है। सभी जगह कट चुका है, लगभग कट चुका है सर, और वाटर सप्लाई का काम, ब्लैक बोर्ड का काम, और कुछ जगह पे सर टेस्ट बेंच का काम, 15 ब्लॉक में सर 10 से 15 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर टेस्ट बेंच खरीदी हुई है। अच्छी बात, तो लेकिन सभी जगह जीरो कब हो जाएगा, मतलब पैसा बचा ही नहीं है, कब हो जाएगा? कॉम्पोजिट ग्रांट में तो खर्च कर ही सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पैसा पड़ा हुआ है, है ना, उनके लिए आप क्या रणनीति अपना रहे? फील्ड विद्यालय अभी भी बहुत सारे स्कूल में बेटा ही फील्ड नहीं किया, और जहाँ फील्ड किया गया वहाँ अवशेष जनता से काम कम्प्लीट कर लिया गया है, जिसका स्वच्छता में 10% खर्च करना होता है, उसको सही छोड़ते हुए जो भी है यार, मतलब आपको 50,000-25,000 खर्च करने में मुझे पीछे रखना पड़ेगा, तो ये खर्च कराने में भी आप लोग कितना ढीलामारी क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, उसमें जहाँ पंचायत द्वारा काम हो रहा है, प्रधान जी लोग ये कह रहे हैं कि हमको टोटल सर्टिफिकेट कर देने दीजिए, इसमें पंचायत इनको प्रधानों को कुछ कहना दे करने का ही नहीं, हो गया कॉन्ट्रैक्टर की रिपोर्ट क्या बता रही है, 1635 में उसने कम्प्लीट किया है, उसका पेमेंट कितने का हुआ है? हाँ, 1635 के लिए पेमेंट कितने का था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पता नहीं, तो मैंने कहा था मीटिंग करो जीएसए के साथ, इस मीटिंग के पहले मीटिंग करो, क्यों नहीं किया? पहले बजट कहा है, बगल में काम कर रहा है, तो इसमें से पेमेंट कितना हुआ जाना है, पेमेंट किसकी संस्तुति के आधार पर हुआ, पेमेंट में मुझे संस्तुति करना था ना, नहीं था, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? मैंने खुद ही आदेश किया था टीचर टीजी का, मैंने गंभीर गंभीर आरोप लगाए, पेमेंट कितना हुआ ये रिव्यू करके मुझे बताइए, पेमेंट हो कीजिए, और मैं तो आदेश करके पेमेंट नहीं होगा, जब तक 100% पेमेंट नहीं होगा, जब तक ये नहीं, ये बताइए कितने जगह पे शिकायतें आई हैं जो कंप्लीट कर दें? आज बेसिक शिक्षा विभाग की सभी ARP SRG डायट मेंटर्स और खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, विभिन्न योजनाएं जैसे ऑपरेशन कायाकल्प है, निपुण भारत अभियान है, शारदा है, सामर्थ्य है, मानव संपदा का अनुश्रवण, इन विभिन्न मिड डे मील, इन सभी योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई, अनुश्रवण किया गया, और जो लक्ष्य निर्धारित है शासन द्वारा उसकी पूर्ति के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और रणनीति बनी हुई है, चरणबद्ध रूप से काम हो रहा है, और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी स्कूलों में अवस्थापनाओं के संतृप्ति की कार्रवाई मिशन मोड में चल रहा है, सभी अच्छे कार्य करने वाले सभी टीचर्स और प्रधानों को बधाई देता हूँ, और शेष जितने भी काम बचा हुआ है उसको समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत गांव में निर्मित शौचालय की जियो टैगिंग 80% से कम करने वाले 8 सहायक विकास अधिकारी व 55 ग्राम पंचायत सचिवों का जिलाधिकारी के निर्देश पर रोका गया वेतन, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। कैन पुलिस SOG व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी व पशु तस्कर को एक अन्य साथी सहित किया गिरफ्तार, 3 किलो गांजा किया बरामद, CO कैन श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते समय हेलमेट लगाकर ही निकलें बाहर, बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर वाहन का किया जाएगा चालान, यातायात नियमों का करें पालन।
29 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। आर्बिट्रेशन वादों का किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जिले में चल रहे अवैध स्टैंड पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि स्टैंडों को चिन्हित करके बनाया जाएगा पार्किंग। नगर निगम द्वारा जल्द किया जाएगा टेंडर। मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प सहित विभिन्न परियोजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में पैरोकार और कोर्ट मुहर्रों तथा पुलिसकर्मियों की बैठक हुई संपन्न। अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को डीआईजी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण इस वर्ष 69 मुकदमों में सुनाई गई सजा, लगभग 40 मुकदमे में हुई है उम्र कैद की सजा। प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिला के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा, 1 से 15 जून तक चलने वाले अभियान पर की गई चर्चा। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे मनरेगा के कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के द्वारा कलेक्ट्रेट से निकाला गया जागरूकता मोटरसाइकिल रैली। हेलमेट लगाने के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में पैरोकार और कोर्ट मुहर्रों तथा पुलिस कर्मियों की बैठक की गई, जिसमें पैरोकार और कोर्ट मुहर्रर को स्टेशनरी बैग और पैड वितरित किया गया तथा अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को डीआईजी जे रविंद्र गौड़ के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि डीआईजी रेंज की अध्यक्षता में पैरोकार कोर्ट मुहर्रर की बैठक की गई, मॉनिटरिंग करके कार्य की समीक्षा। इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया। इसमें इस वर्ष में 69 मुकदमों में सुनाई गई है और लगभग 40 मुकदमे में उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी एक अपराधी को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि पैरोकार, कोर्ट मुहर्रर, वकील और न्यायपालिका के सहयोग से समाज में जो आपराधिक तत्व हैं, उनको दंड मिल रहा है और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जो कोर्ट मुहर्रर और पैरोकारों को आवश्यक स्टेशनरी बैग और पैड वितरित किया गया और अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभास सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, यही चीज आना चाहिए 69 इस साल जी, और इसमें 40 ये बार-बार पैरोकारों की ये जो मीटिंग है, इसमें अध्यक्षता के लिए आज हमारे डीआईजी महोदय ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और सर यहाँ है, क्योंकि सर यहाँ से पहले कई बड़े जिलों के एसएसपी के तौर पर कार्य किए हैं और मिर्जापुर रेंज के बाद सर यहाँ पर एज डीआईजी बड़े चैलेंजेस सर दिखाई के नेतृत्व में सर ये हमने शुरू किया था एक मुहिम, जिसमें कि प्रोसिक्यूशन का जो हमारा कार्य है उसको मजबूत करने के लिए, अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए और पूरी प्रोसिक्यूशन टीम को एक टीम भावना के तहत मिलजुल कर एक अभियान लेकर 100 दिवस में 100 सजाएं करवाने का हमारा टारगेट लेकर हमने ये अभियान शुरू किया सर, और जिसमें सर बड़ा हर्ष का विषय है, कई फीडबैक हमको उपलब्ध करवाते हैं, हमने इनको रजिस्टर्स भी कई बनाकर दिए हैं सर, जिनको कि ये अभी तक समस्या आ रही थी कि ये रजिस्टर्स इनको उपलब्ध नहीं थे, स्टेशनरी इनको उपलब्ध नहीं थी, ये अपने पास से जहाँ तहाँ से इसकी व्यवस्था करते थे, तो ये हमने उपलब्ध करवाई है। साथ ही सर हमने आज एक बैग वितरण का कार्यक्रम भी रखा है, जो कि हमने बैग तैयार करवाए हैं सभी पैरोकारों के लिए और कोर्ट मुहर्रर के लिए, इनको जो रजिस्टर दिए हैं सर, ताकि सर कहीं बैग अगर मिसप्लेस हो जाए या कहीं आए जाए कोर्ट में पड़ा रहे तो लोगों को पता रहे सर कि ये पैरोकार है। तो हम चाह रहे हैं सर कि जिस तरीके से हमारे प्रत्येक टीम मेंबर की आइडेंटिटी होती है, हमारे पैरोकार की भी एक आइडेंटिटी बने, हमारे कोर्ट मुहर्रर की भी आइडेंटिटी बने और ये अपने आप को एक टीम का एक्टिव मेंबर मानकर एक्टिव पुलिसिंग में योगदान दें, क्योंकि अभी तक ये पूरा व्यवस्था हमने किया है। उद्देश्य यह है कि जो एसपी साहिबान हैं इनके नेतृत्व में हमारी जो टीम है अच्छे रिजल्ट डिलीवर करे और जो कुख्यात अपराधी हैं उनके खिलाफ जेल के बाहर सूचना मिले अपराधी का, ऐसा कार्यवाही कोर्ट ने जारी किया है, समन जारी किया है, वारंट जारी किया है, ताकि रियल टाइम इसमें एक्शन हो। तो इसी के क्रम में सर मैं किसी जनपद में हर प्रकार के कार्रवाइयां हो बहुत कम बार ऐसे देखने को मिलता है, कभी कभी हम लोग सोशल पुलिसिंग करने लगते हैं तो एक जनपद में वही चलता रहता है कि सेवा कार्यक्रमों का बड़ा चलता है, क्राइम पे काम हो रहा है तो लगातार क्राइम पे काम हो रहा है, या कोई एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो लगातार उसी में ध्यान दिया जाता है, बाकी चीजें हो रही है, समाज के तमाम सेवा कार्यक्रमों में भी व्यस्त है,
चाहे आपको परिवार परामर्श केंद्र का नाम भी लीजिए और तमाम चीजें चल रही, क्राइम प्रिवेंशन में अच्छा काम हो रहा है। जैसे एसएसपी साहब ने कहा, डीपीओ से लेकर बी एसआई थाना से और सीओ एडिशनल एसपी सब मिलके क्राइम प्रिवेंशन में जो अग्रेसिवनेस दिखाना चाहिए, अपराधियों को पीछे पड़ना, अपराधी को अपने घर पे रुकने नहीं देना, उसको चैन से सोने नहीं देना, ये कार्यक्रम भी लगातार चल रहा। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो हमेशा कहीं ना कहीं ये छूट जाता है, वो पैरवी का। चलिए, अभी मुझे बहुत खुशी हुई, अभी आपके मॉनिटरिंग सेल प्रभारी और एसपी साहब साहब ने कहा 69 एक साल में नहीं है, अभी तो हम लोग पूरे 100 दिन में 100, अब मई में ही हम लोग 69 पे। अगर आप हमारा अभियान अगर आप लोगों का ऐसे ही चला जाए 31 दिसंबर तक आप लोग कई चीजें करा, लेकिन आजीवन कारावास से आदमी डरता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गया। 20 साल की सजा से डरता है, 10 साल की सजा से डरता है, 7 साल में भी डरता है, मनोबल गिर जाता है अपराधी। भले अंदर बहुत खा पी के वो बहुत बड़ा ऐसे तंदुरुस्ती का दिखावा दिखाता है पब्लिक के लिए, लेकिन वो अगर अंदर से उसको झांक के देखिए, जिस दिन उसको सजा हो जाता है उसी दिन उसका मनोबल 50% गिर जाता है। अगर आजीवन जिस दिन हो गया तो उस आदमी को उम्मीद खत्म हो जाता है कि बाहर आके कुछ करे। बाहर आ आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए के दंड से दंडित करवाया था। ये परोपकार में एक बैग बैग मिला। 4 अभियुक्त हैं जिनको आजीवन कारावास और 25,000 रुपए की जो माने के लिए दंडित किया गया है। महिला कांस्टेबल पूजा देवी, आज पुलिस लाइन में आदरणीय डीआईजी रेंज गोरखपुर महोदय के अध्यक्षता में पैरोकारों और कोर्ट मुहर्रिर की मीटिंग की गई, मॉनिटरिंग सेल के कार्य की समीक्षा की गई है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और आज ही हमारे यहां पर 69वां मुकदमा है जिसमें सज़ा सुनाई गई है इस वर्ष में, और लगभग 40 ऐसे मुकदमे अभी तक हुए हैं जिसमें उम्र कैद की सज़ा हुई है। आज भी एक मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा हुई है अपराधियों को, और जो हमारे पैरोकार, कोर्ट मुहर्रिर, हमारे प्रोसिक्यूशन की टीम, वकीलों की और हमारे आदरणीय न्यायपालिका, इन सब के मिले जुले प्रयासों से समाज में जो आपराधिक तत्व हैं उनको दंड मिल रहा है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल रहा है, और न्याय का ये चक्र आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, इसी के लिए आज मीटिंग की गई थी। गोष्ठी में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ और हमारे आदरणीय डीआईजी महोदय ने हमें मार्गदर्शन दिया, कुछ आवश्यक बिंदु उनकी तरफ से बताए गए सुधार हेतु, जिन पर हम सुधार करेंगे और आगे इसमें और भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, बैग जी, इसमें हमारे कोर्ट मुहर्रिर और पैरोकारों को आवश्यक स्टेशनरी की जो सामग्री है वो भी वितरित की गई, और हमारे 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए गए आदरणीय डीआईजी महोदय के द्वारा। बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिला के पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसके संबंध में पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर बैठक की गई है। प्रधानमंत्री के विगत 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर संगठन द्वारा निर्देशित कार्यक्रम की योजना 1 जून से 15 जून तक पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र और गांव-गांव में जनता के बीच जाएंगे, सरदार जी द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे और प्रदेश सरकार के
आगे इतिहास क्या क्या है इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां बारे में बताएंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरवन पटेल, क्षेत्रीय महामंत्री मनोज सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मुरली मनोहर चौरसिया, अभिमन्यु चौरसिया, प्रमोद गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, गजेंद्र सिंह, सचिन जायसवाल, राहुल गुप्ता, दीपक चौरसिया, संतोष राजभर, विशाल जायसवाल, दीपक चौहान, बबलू निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी ने कहा, निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में वो शायद उसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ी कि जो सरकार प्रचंड बहुमत है, ये हम सभी को कार्यों को लेकर के योगी है। भारतीय जनता पार्टी विचारों से चलती है और विचार अनवरत निरंतर ही समाज में चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी काम कर रही है, इसलिए विश्व स्तर का संगठन यह संभव हो सका। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे पार्टी द्वारा जो भी पिछड़ा मोर्चा को कार्यक्रम मिला है वो हम सभी लोग मिलकर के एक मनोयोग से काम को पूर्ण करें। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मुरली मनोहर चौरसिया जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के निमित्त अपनी बात विभिन्न कार्यक्रम आए उसमें पिछड़े मोर्चे के साथ लोग हंस रहे थे कि भाजपा वाले मिस कॉल मार रहे हैं, सपा वाले मोबाइल उठा लो उनसे मिस कॉल मार, तो अभी सदस्य हो गया हंसते थे लोग। तो हम 11 करोड़ पहुंचे, लेकिन 11 करोड़ लोगों को डाटा भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी हमारी जो संख्या इस समय करीब 16 करोड़, मतलब हिंदुस्तान का हर 10वां व्यक्ति, 10 से कम 9वां व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड मेंबर है, जिसका आधार नंबर सबका फिक्स है, जिसका डाटा हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में पड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर 1 मिनट में जाए तो ऐसे 16 करोड़ लोगों को भारत माता की जय, वंदे मातरम या कोई भी संदेश 1 मिनट के अंदर केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से बैठे हुए दे सकते हैं। बहुत दुनिया अभियान चला था 20 साल अभियान, लोग हंस रहे थे। ऐसे ऐसे अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है जिसको लोग सोच नहीं सकते। इसीलिए हम लोग पार्टी की तो डिफरेंस और उनसे अलग पार्टी को हम संघर्ष करते करते आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए बढ़ रहे हैं। याद करिए पहले ही कहा, पहले जब राजशाही का अवसर हुआ करते थे तो जनता का राजा के प्रति बहुत लगाव नहीं होता था। जनता ये सोचती कोई राजा है, हमको उसको देना है, टैक्स देना है, मालगुजारी देना है, चाहे महाराणा प्रताप जी रहे और चाहे मुगलिया सल्तनत कोई राजा। अरे मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 5 वर्ष पिछला कार्यकाल और लगभग 3 वर्ष इसमें पूर्ण हो रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने इस 8 वर्षों में क्या ऐतिहासिक और जनोपयोगी कार्य किया है उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना एक अभियान चला रहा है जून के महीने में, जिसको हम अदर एक्टिविटीज़ बाहरी गतिविधियां अभियान का नाम दिए हैं। इसमें हमारे संगठन के जितने भी घटक हैं, मोर्चे, प्रकोष्ठ, मेन बॉडी, सब लग करके गाँव में जनता तक जाएंगे और हमारे सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को बताएंगे कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमने आपके लिए क्या किया, क्योंकि हम जनता के लिए काम करने वाले पार्टी के लोग हैं। पार्टी पे द डिफरेंस हमारा नारा है, इसलिए हम लोग ये अभियान चला करके अपनी उपलब्धियों को बताएंगे और आने वाले चुनाव के लिए हमारी तैयारी का शुरुआत भी है एक तरीके से। राजघाट पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी एसके मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को राजघाट पुल के नीचे बैकुंठ धाम घाट से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनिल चौहान पुत्र स्वर्गीय परखन चौहान निवासी जवा हिरचक नौसर थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राजघाट थाना
प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी एसके मिश्रा, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल मंगलदीप, देवेंद्र यादव, अशोक यादव शामिल रहे। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने जनपद में चल रहे मनरेगा के कार्यों की प्रगति की अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव के नाली निर्माण का कार्य बरसात से पहले पूरा किया जाए। इसके अलावा गांव में पशुओं से निकलने वाले गोबर को किस तरह से उपयोग किया जाए इसका सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि गोबर से खाद्य बनाई जा सकती है जिससे कि किसानों को खेती करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए सभी लोगों का सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने गांव में बनने वाले अमृत सरोवर पर चर्चा करते हुए कहा कि आप लोग मनरेगा से मजदूरों को लेकर एक अच्छा तालाब बनाएं और वहां पर सीढ़ी भी बनाएं जिससे कि लोग तालाब पर जा सकें। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव में सूखे कचरे के प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाए। कहाँ सूखे गड्ढे बन रहे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे सूखे कचरे का पूरी कैलकुलेशन कितना किलो निकलता है, कुछ बड़े घर होंगे जिसमें बहुत निकलता होगा, पेट बनता है तो अहमदाबाद का, तो पेटे का कचरा वहां प्रधान जी सूखे कचरे का अगर प्रबंधन कर रहे हैं तो पेटे वाला कंप्यूटर नहीं दिमाग में रखा था कुछ भी। आपने नाली पे काम शुरू किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमेशा SLW सॉलिड लिक्विड दोनों की बात कर रहे हैं, जब सॉलिड की बात कर रहे हैं आपने देखा कि कितने पशु है, कितना गोबर निकल रहा है, उसके प्रबंधन का सोचा ही नहीं था कैसे होगा। तो आप हमारे सारे मैसेंजर हैं, आप फोन करिए इन चीजों पे, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, शशि से बात करिए, बच्चा सिंह से बात करिए, मुझसे बात करिए, एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा जो अमृत सरोवर बन रहे हैं, तो अभी हम बात कर लेते हैं, प्रधान जी आप बैठे हैं, आप मोहित कार्तिक भी आ गए, मोहित भी आ गए। तो कार्तिक ऐसा है, जैसे मान लीजिए विधायक निधि से वो वहाँ सीढ़ी बनाना चाहते हैं, तो अमृत सरोवर में उसकी कॉन्सेप्ट ही यही है, मेरी बात भी हुई है लखनऊ में भी, कि मल्टीपल फंड यूज करें। तो ये नहीं है कि मनरेगा से आपने मिट्टी का कंपोनेंट कर लिया, विधायक निधि से आपने सीढ़ियां बनानी है तो बना सकते हैं, कोई कहीं रोकते हैं। दूसरी है, एक कॉमन आइडिया है कि उसमें सब ऐड होता जाएगा कि कहाँ से कौन कौन सा फंड यूज किया है। फिर जनप्रतिनिधि या CSR, मतलब किसी ने श्रद्धावश कि वहां मंदिर था चलो मैं इतना दान देता हूँ, तो वो भी एक कंपोनेंट है, उससे एक कंपोनेंट बना दिया। अब ये बताओ कि पानी कौन देगा, पानी का टैंकर कौन बनाएगा, कौन से लोग मिलेगा, और उसका भी आप अगेन एक आर्किटेक्चर डिजाइन करवा लीजिए किसी से, मतलब विजन बना लीजिए किस तरह से मुझे उसकी सीढ़ी, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक आजकल 3D पिक्चर्स बनती है सब लोग पास, इस तरह से कर सकते, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट डिजाइन करो उसमें ये कंपोनेंट डालो। हमारा ये था कि हमारा ये पुकरा है कि इसके मतलब ये प्लान है, अब उसके लिए हम कहाँ से मनरेगा से मान लीजिए मिट्टी का काम हो गया या और 50 मीटर सीढ़ी हम हिम्मत करके अभी परिस्थितियों में कर सकते हैं। ये हमारा पुकरा है, यहाँ दो जगह से ऐसे पानी आ रहा है, यहाँ पानी निकल रहा है, अब हमको यहाँ पे और इसके ये चारों तरफ हम ये चाह रहे हैं कि इसके चारों तरफ पेड़ लगे और इसमें बीच में बैठने के लिए बेंचेस लग जाए, लाइट देखो एक चीज है, ये आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए, सब मनरेगा से वहाँ गड्ढे अभी खुदवा लीजिए एकदम अच्छे से, आईडी जनरेट कर लीजिए, पीड़ित साहब बैठे, तो आपका एक कंपोनेंट हो गया, फिर उसके गार्ड कैसे लगाने हैं वो दिमाग लगाइए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के द्वारा कलेक्ट्रेट से जागरूकता बाइक रैली अभियान निकाली गई। आपको बता दें कि बाइक रैली को अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा 18 मई से 19 जून
तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों, हेलमेट, लाइट के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट का प्रयोग करें। इस अवसर पर CSC के विनीत श्रीवास्तव, सुमित यादव, अविनाश, अजय, चंदन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता ने कहा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत गांव में निर्मित शौचालय की जियो टैगिंग 80% से कम करने वाले 8 सहायक विकास अधिकारी व 55 ग्राम पंचायत सचिवों का जिलाधिकारी के निर्देश पर रोका गया वेतन, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। कैंट पुलिस SOG व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी व पशु तस्कर को एक अन्य साथी सहित किया गिरफ्तार, 3 किलो गांजा किया बरामद, CO कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते समय हेलमेट लगाकर ही निकलें बाहर, बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर वाहन का किया जाएगा चालान, यातायात नियमों का करें पालन। २९ मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन, आर्बिट्रेशन वादों का किया जाएगा निस्तारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जिले में चल रहे अवैध स्टैंड पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि स्टैंडों को चिन्हित करके बनाया जाएगा पार्किंग, नगर निगम द्वारा जल्द किया जाएगा टेंडर। मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प सहित विभिन्न परियोजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। DIG जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में पैरोकार और कोर्ट मुहर्रिरों तथा पुलिस कर्मियों की बैठक हुई संपन्न, अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को DIG ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, कहा प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण इस वर्ष 69 मुकदमों में सुनाई गई सजा, लगभग 40 मुकदमे में हुई है उम्र कैद की सजा। प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिला के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न, कहा 1 से 15 जून तक चलने वाले अभियान पर की गई चर्चा। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे मनरेगा के कार्यों की CDO इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के द्वारा कलेक्ट्रेट से निकाला गया जागरूकता मोटरसाइकिल रैली, हेलमेट लगाने के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।